बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना बिनते शेजान। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 3 का यूनिट नंबर 8, जो कि हमारे पास है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पेज नंबर 77 आपके साथ शेयर हो रहा है, और इसमें हमारा जो पहला सेगमेंट है वो हमारे पास है ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स का। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल्स का। लॉन्ग वाउल्स, लॉन्ग वाउल्स क्या होते हैं? लॉन्ग वाउल से मुराद होती है कि जब वाउल अपना नाम लेता है, चाहे वो एज एन इनिशियल लेटर ले या चाहे वो एज अ मीडियल साउंड ले। तो कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं प्लेन, तो प्लेन में आप ए की साउंड सुन रहे हैं, ए, प्लेन, ए, ठीक है। आप रेन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप हेट पढ़ रहे हैं, आप जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं, तो आप देखिएगा कि इन तीनों स्पेलिंग पैटर्न्स के अंदर, या आप डे पढ़ रहे हैं, ए की साउंड आ रही है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड बेसिकली योर लॉन्ग वाउल। जैसे कि आप अगर ईम की साउंड की तरफ जाते हैं तो ट्री, आप अगर आई की साउंड की तरफ जाते हैं तो आईलैंड, अगर आप ओ की साउंड की तरफ जाते हैं तो आप इसको कह सकते हैं ओक, ठीक है। अगर आप यू की साउंड पे जाते हैं तो यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप सब जगह देखिएगा तो आपका जो वाउल है वो अपना नाम ले रहा है, जबकि शॉर्ट वाउल साउंड हमारे पास होती है कि जब आपका वाउल, चाहे वो मिडिल में आए, चाहे वो आपका इनिशियल साउंड आए, वो वहाँ पर अपनी आवाज़ पर फोकस करता है। जैसे इनिशियली एंट, ए, एंट, और अगर मिडिल में आ रहा है हैट, हैट, हैट। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, इसी तरीके से ई में एग, ठीक है, और अगर मिडिल में आ रहा है जेट, आई, अगर आप देखें तो ईग्लू, मिडिल में देखें तो पिन, ओ को अगर आप देखें तो ऑरेंज, ओ की साउंड दे रहा है, और अगर आप मिडिल में देखें तो कॉट, और अगर आप वहाँ पे देखें तो अम्ब्रेला, और मिडिल में अगर आप देखें तो कट। ये आपके पास क्या आ रहे हैं? ये आपके पास सारे के सारे, चाहे वो इनिशियल वाउल में आ रहे हैं या मीडियल वाउल में आ रहे हैं, या आपके पास सारे के सारे आपके शॉर्ट वाउल हैं। इसी कॉन्सेप्ट को जेहन में रखते हुए अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, प्रोनाउंस द लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल साउंड इन द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। जैसे कि शॉर्ट वाउल साउंड है हैट, लॉन्ग है हिट, हॉप, होप, सिट, साइट, पिन, पाइन, कट, क्यूट, टैप, टेप, मैट, मेट, कब, क्यूब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। रीड द मॉडल टेक्स्ट बिलो एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यानी कि पहले आपने ये मॉडल या सैम्पल टेक्स्ट को पढ़ना है, और इसके बाद आपने अपनी बेसिकली अब अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करवाना है। हेलो, माई नेम इज़ एसन, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई लिव इन पेशावर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम इन ग्रेड 3, आई हैव वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, माई फादर इज़ अ डेंटिस्ट, इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड वॉच मूवीज। अब ये देखिए, उसने अपने बारे में बताया है, अपने शहर के बारे में बताए हैं, अपने मुल्क के बारे में बताए हैं, वो किस क्लास में पढ़ता है वो बताया है, वो क्या करता है, उसके कितने बहन भाई हैं ये बताया, और साथ उसने बताया उसके वालिद का पेशा क्या, और वो अपने फ्री टाइम में क्या करता है। इसी कॉन्सेप्ट को जेहन में रखते हुए आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है अपने क्लास फेलोज के साथ। अब चलते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे। री रीड द टेक्स्ट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाउ मेनी मेजर काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर। येस, 3 पर्टिकुलर है। विच इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, येस, ऑप्शन बी एरोप्लेन। विच इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऑब्वियसली, ऑप्शन ए कैमल। विच इज़ द स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर हमारे पास आएगा लैंड ट्रांसपोर्ट, आप इसको टिक करेंगे। वट वर यूज इन द पास्ट एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जी आप बी की ऑप्शन को चेक करेंगे, एलिफेंट, हॉर्सेज एंड डोंकीज। अच्छा, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन पेज 78 पर हमारे पास है, यूज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर टू अरेंज द वर्ड इन द बॉक्सेज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में आपका एप्पल आ रहा है, बी में देखें टू और थ्री में दोनों बी से लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, बनाना बी और ब्रदर बी, लेकिन क्योंकि बनाना बी के बाद ए आ रहा है, ये पहले आएगा, ब्रदर में बी के बाद आर आ रहा है, तो ये आपके पास बाद में आएगा। तो बेसिकली जब हमारे पास दो लेटर आ रहे हो, और दो लेटर मतलब एक ऐसा वर्ड आ रहा हो जिनके दोनों इनिशियल लेटर सेम हो, तो फिर हम सेकेंड लेटर को देखेंगे कि जो सेकेंड लेटर पहले आता होगा हम उसको उस तरीके से रीअरेंज करेंगे। जैसे कि अगर हम इसको, अब जो हमारे पास लिस्ट हमसे शेयर की गई है, इसको हम शेयर करें, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास जो आएगा वो होगा एंट, बैट, बिग, ब्लो, फैट, फुल, हैट, हॉर्स, ह्यूज, स्लीव, सो, ठीक है जी, ये हमारे पास हमारे ऑर्डर आएगा।
जी डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। इस वीडियो लेसन में हमने अपनी गौहर इंग्लिश बुक 3 के यूनिट 8 की एक्सरसाइज के पहले दो पार्ट देखे, ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।